अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायना जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 2 का, गार्डन एंड हॉल फिजियोलॉजी का। सो इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, उसी के फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हैं। हमारे पास जो अब ऑब्जेक्टिव्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो चैप्टर है, जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी डिटेल मिल गई थी। अब हम लोग सेल साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, जो अब हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सेल साइटोस्केलेटन फिलामेंट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। मींस कि ये सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक सेल साइट, जिन्हें हम लोग सेल साइटो स्केलेटन कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पास जो भी हमारे सेल है उसमें जहाँ जहाँ जिन स्पिंडल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिलामेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एज अ सपोर्टिंग सिस्टम, ये उनको जो है वो बेसिकली उनके प्रीकर्सर्स होते हैं। सो इसकी डिटेल जो हमारे पास गाइटन ने दी है उनको डिस्कस करते हैं। द फिब्रिलर प्रोटीन्स ऑफ द सेल आर यूजुअली ऑर्गेनाइज इनटू फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स। दीज ऑरिजिनेट्स एज प्रीकर्सर्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स इन द साइटोप्लास्ट। द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स देन पॉलीमराइज टू फॉर्म द फिलामेंट्स। एज एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स फ्रीक्वेंटली अकर इन आउटर जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द एक्टोप्लाज्म टू फॉर्म एन इलास्टिक सपोर्ट फॉर द सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो इन द मसल सेल, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल मशीन्स दैट इज बेसिस फॉर द मसल्स कंट्रैक्शन। सो गाइस देखिए, मसल्स कंट्रैक्शन वगैरह की तो बात आगे होगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल जो हम लोग जो सेल साइटोस्केलेटन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो बेसिकली क्या कह रहा है। बेसिकली सेल साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं सेल के जो कि यूजुअली फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन के प्रीकर्सर्स होते हैं जो कि बेसिकली राइबोसोम से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम से मिलके बने हैं, मतलब राइबोसोम से हैं बेसिकली, वो हमारे पास इस स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं और ये स्ट्रक्चर जो सेल साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं ये हमारे पास फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स हैं, आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है बेसिकली उसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट यूज होते हैं। सो वो फिलामेंट्स भी किन से इनके बने हुए होते हैं, सेल साइटोस्केलेटन के जो फिलामेंट ट्यूबुलर और जो फिब्रिलर और ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं ये उनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो एक्टिन एंड मायोसिन बेसिकली फिलामेंट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, आगे क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टिफ फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज ट्यूबुलर मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड इन सेल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये स्ट्रक्चर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है ये मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पहले इस पैराग्राफ में अगर मैं इसे जो है वो समराइज करूँ तो ये बताया है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं सेल के जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं फिलामेंट या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स की फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो राइबोसोम ने फॉर्म किए होते हैं। मीन्स के कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास जो है ट्यूब्यूल्स होती हैं या फिर फिलामेंट्स होती हैं जो कि प्रीकर्सर होते हैं हमारे पास किन के, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब क्या, जैसे हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो कि हमारे पास आउटर जोन ऑफ साइटोप्लाज्म की आउटर जोन पे हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एक्टोप्लाज्म कहते हैं, वहां पे हमें ये फिलामेंट्स मिलते हैं, ये इलास्टिक सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मसल सेल के अंदर जो हमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स मिलते हैं वो भी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज करते हैं उनके अंदर भी हमारे पास ये फिलामेंट्स होते हैं। तो ये फिलामेंट्स बेसिकली क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास सेल जो सेल का साइटोस्केलेटन कहलाते हैं और यही प्रीकर्सर होते हैं प्रोटीन्स के और यही एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हमारे सेल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर ये यूज होते हैं, ठीक है, ये उसके प्रीकर्सर है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास पॉलीमराइज ट्यूबुलर मॉलिक्यूल है, मतलब इन्हीं ट्यूब्यूल से बना हुआ, इन फिलामेंट से बना हुआ एक पूरा पॉलीमराइज हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब उस माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर उस माइक्रोट्यूब्यूल की इन्होंने जो है वो डायग्राम दी है वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम है जिसे जो है वो एक्सप्लेन किया है, मतलब ये हमारे पास एक बहुत ही जो है वो पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है उन ट्यूब्यूल्स का। Another examples of microtubules is the tubular skeleton structure in the center of the ecelium that radiates upward from the cell cytoplasm to the tip of the cilium.
दिस स्ट्रक्चर इज डिस्कस्ड इन लेटर इन द चैप्टर इन इलस्ट्रेट. ये बाद में जो है वो सेंट्रियोल्स एंड माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर्स करेंगे. स्पिंडल ऑफ द माइटोटिक सेल्स आर कॉल्ड ऑफ द स्टेफ माइक्रोमर्स. बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आप जब मियोसिस एंड माइटोसिस का जब फंक्शन जो है माइटोसिस एंड मियोसिस की साइकिल्स को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी जेनेटिक्स में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं. क्या होते हैं हमारे पास, ये स्पिंडल्स जो अटैच्ड होते हैं, जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स जो हम लोग जो है क्रोमोसोम्स को अटैच्ड करेंगे, ठीक है, उस वक्त जो हमें जो है वो स्पिंडल्स मिलेंगे जो कि उनके अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, वो सब इन माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होंगे. थस अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज टू एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन प्रोवाइडिंग द रिजिड फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेल. मींस के यही फिर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हुए हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, आप कोई भी आपसे पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है तो आप लोग कहिएगा कि ये हमारे पास जो है ये ट्यूब्यूलर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, और इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं. और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल स्केलेटन से मिलके बने हुए हमारे पास, जो यहाँ पे साइटोस्केलेटन को इन्होंने डिस्क्राइब किया. तो अगर मैं इसकी समरी करती हूँ तो समरी में कुछ खास नहीं है, यही लिखा हुआ कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक जो है वो फिब्रिलर प्रोटीन होते हैं फाइबर्स की फॉर्म में, जो कि प्रोटीन के प्रिक्रसर्स होते हैं जिन्हें राइबोसोम ने फॉर्म किया होता है. लार्ज नंबर ऑफ जैसे एक्टिन एंड मायोसिन हमारे पास फिलामेंट्स हैं, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन में जो काम आते हैं वो सब भी इससे मिलकर बने हुए हैं. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास मेन इनके एग्जाम्पल है माइक्रोट्यूब्यूल, जो इनकी जो है वो बहुत ही पॉलीमराइज्ड फॉर्म है, ठीक है, जो हमारे पास क्या काम करती है वो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं वो स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हम लोग माइटोसिस एंड मियोसिस के जब हम लोग फंक्शंस करते हैं तो जो भी माइटोसिस मियोसिस का हमारा पास जो भी प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर में जो सेंट्रोम जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अटैचमेंट में जो हेल्प करते हैं वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. सो यहाँ पे इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स को इन्होंने बेसिकली जो है वो डिस्कस किया. अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया सेल साइटोस्केलेटन, ये यहाँ तक इसका पैराग्राफ था, ज़्यादा बड़ा नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये सेल साइटोस्केलेटन. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास है न्यूक्लियस का. एक्चुअली आप सबको पता है न्यूक्लियस क्या, हमारे पास कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन हैंडल करता है, वो कंट्रोल सेंटर मतलब वो न्यूक्लियस जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है. अब गार्टन ने इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया वो देख लें आप लोग. न्यूक्लियस क्या, हमारे पास कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है. ब्रीफली क्या है कि हमारे पास जो डीएनए होता है, लार्ज द न्यूक्लियस कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीएनए विच आर द जीन्स. बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या करता है, कंटेन करता है. इसकी अच्छा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल्स के प्रोटीन्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने के लिए, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के लिए, एंड कंट्रोल सिस्टमिक एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज के लिए. सो बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, इस पैराग्राफ में उसमें मेन इसने बता दिया कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर हमारी सेल का. इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर हमारे पास डीएनए होता है जो कि हमारी बॉडी के पूरे जेनेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है. अच्छा, अब जीन्स क्या होती हैं, जीन्स वो होती हैं जो कि हर चीज़ के करेक्टर्स को मतलब हमारी बॉडी में जो भी चीज़ बनेंगी उनके करेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगी. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के सिंथेसिस, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने के लिए, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वगैरह को बनाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज करने के लिए, तो ये सारा काम किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए, और डीएनए का क्या काम है, डीएनए क्या करता है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो सिंथेसाइज करता है, इसी में इसके पूरे करेक्टर्स जो है वो हमें मिलते हैं, तो ठीक है. और इन तमाम चीज़ों को कौन प्रमोट कर रहा है, जीन्स जो है वो इन तमाम चीज़ों को प्रमोट कर रही है. तो ये न्यूक्लियस का जो है वो बेसिक हमारे पास जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो पहले पैराग्राफ में इन्होंने हमें दे दी है. सो अब हम आगे चलते हैं. अब उस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे जीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया कि जीन्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इटसेल्फ, मतलब यही जीन्स जो हमारे पास डीएनए में मिली है हमें और जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है यही रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सबसे पहले ये जीन्स जो होती हैं वो दो आइडेंटिकल सेट्स ऑफ जीन्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, दो हमारे पास सेट बन गए उन जीन्स के. अब वो सेट किसके थ्रू माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होंगे. आपने माइटोसिस एंड मियोसिस के फंक्शन पढ़े होंगे, पूरा प्रोसेस भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, वो आगे जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर उसको पूरा डिटेल से बताया गया है. सो फिर ये क्या करेंगे, हमारे पास उन सेल्स स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास है उनको माइटोटिस के जरिए अब वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा. अब उसके बाद क्या होगा कि ये अब क्या होगा, ईच ऑफ विच रिसीव वन ऑफ द टू सेट्स ऑफ डीएनए जीन्स, ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द न्यूक्लियस आर कंसिडर इन डिटेल इन
अच्छा, फिर उसके बाद दो सेट बन गए, अब वो आइडेंटिकल सेल्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो वो होता रहेगा। मियोसिस और माइटोसिस होता क्या, वो चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से बता दिया। अब क्या है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं बताया, इस पैराग्राफ में यही बताया कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको जो है हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, बट उसके फंक्शंस को, उनके मैकेनिज्म को, उनके फंक्शंस को हम लोग जो है, जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं उनको काफी हद तक हम लोग जो है वो वहां पे जो है सीन नहीं कर सकते, ठीक है, ये बताया गया। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप है, अब उसके बारे में बताया, लाइट माइक्रोस्कोप में एक यहाँ पे एक डायग्राम दी गई गाइटन में, ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियस की, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यूक्लियस है ये उसकी डायग्राम है। अब इस डायग्राम में इन्होंने हमें क्या बताया है कि ये हमारे पास जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें जो है वो न्यूक्लियस की डायग्राम दिखा रहे हैं। अब ये पूरे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके पोर्स हैं, देन ये उसका न्यूक्लियोप्लास्म है, ठीक है, जो हमारे पास फ्लूइड होता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके आउटसाइड है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये हमारे पास पूरा न्यूक्लियोलस है, देन उसके बाद ये इसके न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए, और ये साइटोप्लाज्म है। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास इंटरफेज न्यूक्लियस का है। जो आप लोग साइकिल करते हैं, माइटोसिस की साइकिल करेंगे, तो उससे पहले क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन वगैरह के लिए प्रोसेस होते हैं इंटरफेज, तो वो सारे डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस होंगे, तो उसके बारे में बताया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ड्यूरिंग, ये उसकी डायग्राम है, ड्यूरिंग माइटोसिस द क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू फॉर्म ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो डार्क स्टेनिंग है क्रोमोसोम्स की, मीन्स के इस फेज में जो कहा रिवीलिंग डार्क स्टेनिंग क्रोमेटिन मटीरियल थ्रू द न्यूक्लियस, यहाँ पे जो ये डार्क स्टेनिंग के जरिए दिखा रहे हैं, ये बेसिकली क्रोमेटिन मटीरियल जो दिखा रहा है, ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो शो करता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि जरूरी होता है क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन के लिए। जब माइटोसिस एंड मीटोसिस का प्रोसेस होगा तो उसमें ये डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे सिर्फ मेन अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ जो आप लोगों को, जो आपकी मेमोराइज करने के लिए, वो यही है कि न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल की डीएनए उसी के अंदर होता है, ठीक है, जेनेटिक जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ये लिपिड बायलेयर होती है, जैसे हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बायलेयर होती है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास क्या एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म एंड द स्पेस, अब क्या ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, देखें इसके आउटसाइड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा क्या जो स्पेसेस इसके अंदर है वो भी किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेसेस के साथ, एंड दी स्पेसेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंटिन्यूस विद दी स्पेस इंटायर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारे पास क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बताया कि बहुत सारे इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच इसके एजेस के साथ। अब क्या होगा कि उन्हीं पोर्ट्स के जरिए जो है हमारे पास जो भी आयंस वगैरह मूव करेंगे वो इन पोर्ट्स के जरिए करेंगे। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये लिखी हुई है कि लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अटैच्ड एट द एजेस ऑफ द पोर्स सो दैट द सेंट्रल एरिया ऑफ ईच पोर इज ओनली अबाउट 9 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, इवन दिस साइज इज लार्ज इनफ टू अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू 44,000 माइक्रोवेट टू पास थ्रू विच द रीजन इज। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चैनल प्रोटीन्स वगैरह होंगे जिनके जरिए पूरा जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा इन पोर्स का इतना रीजनेबल एरिया तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्ट भी मूव कर सकें, लेकिन स्पेशली जिसके ऊपर कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मूवमेंट्स के जिनके साथ अटैच होने के बाद ही आयंस वगैरह जो है मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब न्यूक्लियर लाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ जो राइबोसोम्स है ये वो जो है उसको डिस्क्राइब करें। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि द न्यूक्लियर ऑफ द मोस्ट सेल्स कंटेन वन और मोर हाईली स्टेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलाय। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा न्यूक्लियोलाय कंटेन करता है जो न्यूक्लियस होता है बहुत से सेल्स का। द न्यूक्लियस अनलाइक मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डिस्कस हियर डज नॉट हैव अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंस्टेड इट इज सिंपली एन अकुमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ द टाइप्स फाउंड इन द राइबोसोम्स। The nucleolus becomes considerably enlarged when the cell is actively synthesized protein. Actually, यहाँ पे जो nucleolus इन्होंने हमें दिखाया है, basically इस diagram के अंदर आप लोग nucleolus देखें तो यहाँ पे जो nucleolus दिखाया है basically बहुत large होता है, इसकी proteins limited, इतनी जो cell membrane limited नहीं होती। इसके अंदर basically RNA
की फॉर्मेशन होगी और वो जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। ये या इसके अंदर वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलाई जो होती है एंड न्यूक्लियोलाई एंड एंड ऑफ द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म आउटर बिगिंस इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट स्पेसिफिक डीएनए जीन इन द क्रोमोसोम्स कॉज आरएनए टू सिंथेसाइज। सम ऑफ दिस स्टोर इन द न्यूक्लियर बट मोस्ट ऑफ इज ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। हियर इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पेसिफिक प्रोटीन्स टू असेंबल मैच्योर राइबोसोम्स दैट प्ले एसेंशियल रोल्स फॉर द साइटोप्लाज्म प्रोटीन। बेसिकली यहाँ पे सारी राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होगी इस न्यूक्लियोलाई के अंदर। ये बस यही बता रहा है कि यहाँ पे ऐसे जेनेटिक जीन्स वगैरह होती है जो न्यूक्लियोलाई की हमारे पास यहाँ पे सिंथेसाइज करवाएंगे आरएनए। फिर उन्हीं आरएनए स्ट्रेन से हमारे पास आगे चल के क्या बनने होते हैं, स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स वगैरह। सो वही राइबोसोम्स फिर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद वहां पे प्रॉपर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। सो आरएनए की जो भी फॉर्मेशन होगी, जो भी राइबोसोम्स का फंक्शन होगा, वो सारा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। सो ये इसका बेसिकली न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कस किया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, न्यूक्लियोलाई को डिस्कस किया। तो आज हम लोग ने सेल साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोलाई को। सो न्यूक्लियस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियोलाई को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी की बेसिस पे आप लोग फिर जीन्स को जो है वो कवर कर लेंगे। सो इजीली इसमें न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट आप लोगों के पहले भी इंटरमीडिएट में कवर होंगे, तो इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आप लोगों को समझना है बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पता हो, न्यूक्लियस के बारे में पता हो कि बेसिकली जो है वो आरएनए की जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स की जो के लिए जो भी राइबोसोम्स हमें चाहिए थे, वो सब इसी न्यूक्लियोलाई के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और फिर वही आरएनए वगैरह साइटोप्लाज्म में जाके प्रॉपर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल साइटोस्केलेटन में बस फिलामेंट्स का आपको बताओ, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट भी इसी से मिलकर बने हुए हैं। सेल की माइटोसिस में जो भी हमारे पास फाइबर्स वगैरह यूज होंगे वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनका ही है, वो भी इन्हीं फिलामेंट्स से मिलकर बना होगा। न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों को पता है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ दी सेल है, ठीक है। उसके अलावा आपको उसकी जीन्स का पता है कि डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और फिर वहां पे सारी जेनेटिक्स क्रोमोसोम वगैरह का जो भी जेनेटिक जो भी वर्क है वो वहीं पे हो रहा होता है। सो इसी वजह से इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ एग कहते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसकी मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस हो रही होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियोलाई एंड फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम कहाँ पे हो रही थी, न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही है। सो गाइस यहाँ पे आज हम लोगों ने जो है वो सेल साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स कवर कर लिया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग जो है वो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को अपने आगे के लेक्चर्स में जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। सो गाइस टिल दैट अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जो है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है मेरे नीचे जो है कमेंट करके भी वीडियो के नीचे बता सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।